दोस्तों नमस्कार, ग्रामीण क्षमता न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल हमने ग्रामीण क्षमता न्यूज चैनल पर एक चुनावी सर्वे डाला था हमने कि जो जनता अपने पसंद का सांसद चुनेगी। तो हमने कुछ दो लोकसभा क्षेत्र का हमने सर्वे किया है। सिवनी बालाघाट मध्य प्रदेश से लोकसभा क्षेत्र है और इधर भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र महाराष्ट्र का। तो वहां हमने कुछ जाने माने नेता है उन लोगों के हमने नाम डाल करके हमने सर्वे डाला था। तो मध्य प्रदेश से बालाघाट जिले का जो सर्वे में हमने चार लोगों के नाम डाले थे, जिसमें कंकर मुजारे जो भूतपूर्व सांसद थे, तीन बार विधायक रह चुके हैं, हीना कावरे जानी मानी नेता है, गौरी शंकर बिसेन जो कई साल से भाजपा के सांसद सीट पर कब्जा जमाए रखे थे, और हमने रमेश भट्ट नाम रखा था। ये चार लोगों में जो हमको रिजल्ट मिला है, लोगों ने जमकर वोटिंग किया है और वोटिंग में पता चला है कि मात्र 12% पसंद कर रहे रमेश भटेरे को सांसद के लिए। उसके बाद गौरी शंकर बिसेन जी को भी केवल 12% ही लोग पसंद कर रहे। सेकंड नंबर पर आते कंकर मुजारे जी, जिनको 18% लोगों ने पसंद किया है, और टॉप पर फर्स्ट नंबर पर जो लोगों ने पसंद किया है हीना कावरे जी को, जो 59% लोगों ने वोटिंग किया और उन्हें पसंद किया है। वैसे जो गोंदिया भंडारा लोकसभा जो क्षेत्र है, तो यहाँ का जो हमने सर्वे डाला इसमें भी लोगों ने अच्छा वोटिंग किया है, जिसमें हमने चार लोगों के नाम डाले हैं, प्रफुल्ल भाई पटेल नाना भाव पडोवे कांग्रेस से, सुनील मेंढे जी जो वर्तमान सांसद है, और नाना भाव पंचभूत। ये चार नाम हमने डाल करके सर्वे किया है, तो जिसमें जो लोगों ने पसंद किया है, मेरे बाजू में जो स्क्रीन पर लगा हुआ है सर्वे का रिकॉर्ड आप देख सकते हैं, तो मैं सबसे कम बताऊंगा नाना भाऊ पंचभूजे को, केवल 2% लोगों ने पसंद किया है। उसके बाद सुनील मेंढे जी जो वर्तमान में सांसद है, फिर भी उनको केवल 6% लोगों ने पसंद किया है। इसका मतलब इनके सुनील मेंढे जी का 5 साल का कार्यकाल जनता को पसंद नहीं आया होगा। प्रफुल्ल भाई पटेल, इनको 36% लोगों ने पसंद किया है, जो हमारे सर्वे में सेकंड नंबर पर रहे हैं, और नाना भाऊ पडोले को 56% लोगों ने पसंद किया सांसद के लिए। तो ये हमने जो अभी बताया दोनों जिले का सर्वे, जो महाराष्ट्र का गोंदिया भंडारा और गोंदिया जिले के करीब होता है बालाघाट लोकसभा क्षेत्र, तो बालाघाट लोकसभा क्षेत्र में हीना कावरे सबकी पहली पसंद पाई गई सांसद के प्रत्याशी के लिए, और गोंदिया भंडारा जिले के लिए सांसद के लिए नाना भाऊ पडोले कांग्रेस पार्टी से हैं, उन्हें पसंद किया गया है। यानी दोनों जिले में कांग्रेस को पसंद किया जा रहा है, तो ये जाहिर बात है कि यदि कांग्रेस इधर नाना भाऊ पडोले को टिकट देती है तो ये टिकट नाव आसानी से निकाल सकते हैं। वैसे ही बालाघाट जिले में हीना कावरे को यदि कांग्रेस टिकट देता है तो उनको भी आसानी से वो चुनाव निकाल सकते हैं। क्षेत्र में हीना कावरे हार जाती है चुनाव, लेकिन ज्यादा वोटों का फासला नहीं था, लेकिन लोकसभा में दमखम से लोग बोल रहे हैं कि हीना कावरे ही चुनाव जीतेगी। तो ग्रामीण क्षमता न्यूज चैनल से जुड़े रहने के लिए दोस्तों एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ग्रामीण क्षमता न्यूज से मैं दीपक कुठेकर, नमस्कार दोस्तों।